हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और मैं हूँ वंशिता। और दोपहर का लगभग 2 बज चुका है और आज ना गौरी ने अपना सामान अपना सूटकेस लेके आ गई है, और लाइट है नहीं घर में यार। और जो भी ड्रेसेस निकाली जा रही है ना, वो सारी ये पहन पहन के ट्राई कर रही है। आप सबको पता ही है ना कि इसको जाना है अपनी चाचा की शादी में, तो वही तैयारियाँ चल रही हैं। और ये पिछले 2-3 दिन से लगी पड़ी है पीछे कि मम्मा मेरा बैग निकालो, मुझे पैकिंग करनी है, मम्मा मेरा बैग निकालो, पैकिंग करनी है। तो फाइनली आज मैंने इसका बैग निकाल ही दिया है, इसका सूटकेस। और अब हम इसके सूटकेस में पिंक कलर का है, ये मम्मा का है, गौरी का है। ओह, ये गौरी का सूटकेस है और गौरी के सारे कपड़े अभी आने बाकी हैं। अभी 2 ड्रेसेस तो इसकी बड़ी मम्मा स्टिच कर दी है, और ये वाला भी बड़ी मम्मा ने स्टिच किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल से है ना गौरी। थैंक यू बोल दो बड़ी मम्मा को। थैंक यू बड़ी मम्मा। हाँ, तो चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, गौरी का सामान पैक और दिखाते रहेंगे गौरी के जो सूटकेस बैग है उसके अंदर क्या क्या सामान आया है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद दी पैकिंग ऑफ गौरी। शाम का 5 बज चुका है और अब आई है लाइट, और अब हम करेंगे क्या, गौरी की पैकिंग। यहाँ पे लोगों ने सामान देख ही लिया है कितना बिखर चुका है, और वेदांत अभी कोई काम कर रहा है बहुत जरूरी सा, पता नहीं क्या कर रहा है। मम्मा का क्या है कि एक वाईफाई कॉलिंग नामक एक चीज होती है, तो वो जब मम्मा खोलती है मतलब कॉल करती है तो फिर ऐसी आवाज आती है, तो इसलिए अभी मैं वाईफाई कॉलिंग बंद कर रही हूं। हां, उससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। तो चलिए फिर अब हम करते हैं गौरी के सामान की पैकिंग। गर्ल्स की पैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, और गौरी को तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है गौरी के लिए तो पैकिंग करना। उसने तो अपनी लंबी लिस्ट बता दी है, मम्मा ये रखो, मम्मा वो रखो, मम्मा ये रखो। तो चलिए फिलहाल हम करते हैं गौरी के बैग पैक। तो यस, गौरी का हो गया है बैग पैक, और अब उसको 1-2 ड्रेसेस आनी बाकी है उसकी, वो इसमें डालने, और टॉवल डालना, उसका टॉवल और 2 ड्रेसेस डाल के उसकी बैग पैक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम करेंगे अपना सामान पैक और हम निकालते हैं अपना सामान और बैग पैक करते हैं। गौरी थक थका के सो गई है, अपना डोरेमोन देखते देखते सो गई है गौरी, और अब मेरा काम और भी आसान हो गया क्योंकि ये सो चुकी है, तो मैं आराम से अपनी पैकिंग करूँगी, नहीं तो बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती मेरे को, कभी ये कभी वो कभी ये, इसका चालू ही रहता है। तो बच्चे जब सो जाते हैं ना वाकई में, या फिर बच्चे अपने में बिज़ी रहते हैं, तभी कोई काम हम लोग सुकून से कर पाते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। तो चलिए विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, लाइट देर से आई है तो कपड़े भी धोने हैं, आयरन भी करनी है, 2 दर्जन से भी ज़्यादा हैंकीज़ हो गए हैं जिनको मुझे आयरन करना है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत मैं अपना पैकिंग कर लेती हूँ, जाना भी नहीं, बट थोड़ा बहुत सामान पैक कर लेती हूँ ताकि इजी हो जाए मेरे लिए भी। सो गाइस, सीन ऐसा है, मम्मा ने कर लिया जितनी भी पैकिंग आई, इधर मम्मा का एक सूटकेस हो गया, यहाँ पे प्रेस करे हुए कपड़े आए थे, और यहाँ पे एक गौरी का बैग हो गया। अभी मेरी पैकिंग नहीं हुई है, चलो वो मैं कर लूँगा अभी थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पे आई है 2 चीज़ें डोमिनोज से, मतलब आई तो क्या ही है, हम लोगों ने ही मंगवाई है, एक ये हमारा सबसे प्यारा बर्गर पिज़्ज़ा, और एक ये इसे बोलते हैं पेपी पनीर। तो जल्दी से हम लोग खाते हैं गाइस। हाँ, तो बड़ा ही अम्मी, तो जल्दी से खा लेते हो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, अभी गर्म गर्म है। सो गाइस, इसी के साथ में एक मैं हम लोगों ने बर्गर वगैरह सब कुछ, मतलब बर्गर तो क्या ही था, मतलब बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ खा लिया है, और उसके वजह से मुझे एक काम मिल चुका है। वैसे शर्त तो नहीं थी बट टैंकी का मैंने बोला था, डील एंकी की हुई थी बट कुछ। अरे दी कितने एंकी है, अबे इतने तो 2 साल में नहीं कर पाऊंगा, इतने एंकी कर दे बेटा कर दे, ये देखो देर हमारी एंकी की हुई थी पर थोड़ा सा कपड़े ज्यादा थे। कितने आराम आराम से टहल टहल के जा रही है। अच्छा, अपन काम करते हैं, ये मैं कर दूंगी। हाँ, ये ये जो थोड़े से डिलीशियस कपड़े हैं, मैं नहीं करूँगा, कोई जला वाला दिया तो पापा मुझे डंडे मारेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं चलेगा, जल जाएगा तो कोई बात, सीखेगा कैसे। मैं अपने कपड़ों पे ट्राई करूँगा।